जीजा जी, मैं एक बात कहूं, जैसे जैसे अनंता मुझसे दूर जाने वाली है वैसे वैसे मुझे पता चल रहा है कि मैं उसके प्रेम में कितनी दूर निकल आया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जीजा जी, आप ही बताइए ना, इतनी दूर चलने के बाद भी मेरी यात्रा अधूरी रहेगी? नहीं रहेगी पगले, मैं हूं ना, चल मेरे साथ। कहाँ जा रहे? गुरुवर के घर। अब हृदय नहीं टूटेंगे, एक विवाह टूटेगा दूसरे विवाह के लिए, और सारी टूट फूट मेरे इसी आएगी और प्रेम अधूरे का अधूरा ही रहेगा। अरे मूर्ख राम, दूसरे विवाह का अर्थ है तेरा विवाह, और वो भले ना हो किंतु अब अनंता अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं करेगी। हमारी बहन दुल्हनिया बनेगी, हमारी बहन दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हनिया बनेगी। इतना धन होगा, इतना वैभव होगा, चारों ओर यहाँ वहाँ 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 सब नौकर चाकर भरे होंगे, और हीरे मोती तो ऐसे ऐसे पड़े होंगे, और हमारी बहन अनंता। स्वामी, हमारे पास दो सूचनाएं हैं, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी सूचना ये है कि अगले माह तक आप 60 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे। 60 वर्ष के नहीं हुए, 50 वर्ष के हुए हैं। रस्म छुपा के रखते हैं। हाँ? तुमने सौदामिनी को तो नहीं बता दिया कहीं? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा कहने का तात्पर्य है कि किन किन भक्तों को पता चला कि हम 60 के हो गए। अच्छा छोड़ो, जैसा मुँह वैसी सूचना दो। जी? तुम्हें तो कह रही थी बुरी सूचना भी देनी है। हाँ, वो अनंता को आपसे कुछ बात करनी थी। वरुण वाला, हमारी बहन अनंता लक्ष्मी हमसे बात करेगी। क्या कहना चाहती हो? जो कहना है कहो, जो मांगना है मांगो, आदेश दो हमें, तुमसे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं। बोलो भ्राता श्री, हम सोच रहे थे कि जब हम एक, हमारा जीवन एक, हमारे भ्राता श्री एक, हमारा प्रेम भी एक ही है, जब सब कुछ एक है तो फिर हमारा जीवन साथी कोई दूसरा क्यों बनाया जा रहा है? अनंत लक्ष्मी, हमने तुम्हारे विवाह का निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि हम तुम्हें सबसे अधिक प्रसन्न देखना चाहते हैं। आप हमें प्रसन्न देखना चाहते हैं, परंतु क्या हमें नहीं देखना चाहते? अनंता, आप कुछ ऐसा वैसा करने की तो नहीं सोच रही है ना? नहीं भाभी, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे भ्राता श्री का सर नीचा हो। देखो अनंता लक्ष्मी, तुम्हारी समस्या यही है ना कि नैनेश्वर रात में देख नहीं सकता। तो क्या हुआ, एक काम करना, वो नैनेश्वर तुम्हें दिन में देख लेगा, तुम उसे रात में देख लेना। हमें उससे कोई शिकायत नहीं, शिकायत तो हमें अपने हृदय से है जो किसी और से प्रेम करता है। अब जैसा तुम चाहो बहना, परंतु तुम्हारा अन्ना तो वचन दे चुका है, प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात हमारे प्राणों को त्यागने का समय आ गया है। नहीं स्वामी, हम हमारा 60वां जन्म दिवस मनाने वाले थे, अब अकेले मना लेना। नहीं भ्राताश्री, हम अपने अन्ना को कुछ नहीं होने देंगे, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, एक विवाह ही तो करना है ना, कर लेंगे हम। ये विवाह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? ये विवाह नहीं हो सकता गुरुवर। विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं, दूल्हा दुल्हन तैयार हैं, हम तैयार हैं, ये विवाह तो होकर रहेगा। गुरुवर, विवाह एक पवित्र बंधन है, व्यापार नहीं। भाई कैसे करेगा वो विवाह जिसमें सम्मिलित बहन का प्यार नहीं? जी स्वामी, पंडित रामा कृष्णा की बात का अर्थ समझिए,
वरुणमाला पंडित रामाकृष्णा बाहर वाले हैं, हम इस घर में रहते हैं, अनंता हमारे हृदय में रहती है, हमसे अच्छा उसके विषय में और कौन सोच सकता है। गुरुवर, यदि कोई मुझसे हजार बार ये प्रश्न करे, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो इस संसार में अपनी बहन से सबसे अधिक प्रेम करता है, तो हजार बार मैं एक ही उत्तर दूंगा कि हाँ जानता हूं, वो है गुरुवर। मैं ये भी मानता हूं कि अपनी बहन के प्रति आपसे अधिक उचित और कोई नहीं सोच सकता। मेरी भी इच्छा है कि आपकी बहन का विवाह हो, किंतु योग्य वर से। अच्छा, मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो बहुत रूपवान है। धनवान कितना है? है गुरुवर, हृदय से तो बहुत धनवान है। हृदय के धनवान होने से क्या होता है? आप अपनी बहन से कितने हृदय से प्रेम करते हैं? निसंदेह पूरे हृदय से। अर्थात आपकी बहन के लिए सबसे बड़ा धन आपका प्रेम ही है। भ्राता श्री हमारे प्रेम धन है, इसलिए हम सबसे धनी हैं। बस यही धन है उस युवक के पास भी। हाँ ठीक है, ठीक है, उसकी उसकी प्रतिष्ठा का क्या? जितनी प्रतिष्ठा ज्ञानेश्वर राव के पिता की है, उससे तो कई गुना अधिक उस युवक के जीजा की है। कौन है वो लड़का? यदि वो युवक यहाँ आ जाए तो आपके वचन का क्या होगा गुरुवर? वो वचन हमने दिया है, वो उसे हम देख लेंगे, उसकी चिंता हम करेंगे। बस ये बताओ कि वो लड़का कौन है? ये है गोविंद। ये गोविंद? पंडित रामकृष्ण, यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए कि संसार में केवल गोविंद एक अकेला युवक बचे जिससे अनंता लक्ष्मी का विवाह हो सकता है, तो जानते हैं हम क्या करेंगे? हम भगवान शिव से ये वरदान मांगेंगे कि हमारी बहन आजीवन अविवाहित रहे। पंडित रामकृष्ण जी, हमारे भ्राता श्री हमारे विवाह का निर्णय ले चुके हैं और अब इनका निर्णय ही हमारा भाग्य है। वाह वाह बहना, वाह। सुन लिया पंडित रामकृष्ण? और अब ये भी सुन लीजिए, कल हम दरबार में महाराज को आमंत्रण देने जाएंगे और हाँ, एक आमंत्रण पत्र पर आपका नाम भी अवश्य लिखवा देंगे और हम हमारा 60वां जन्मदिवस उत्सव भी धूमधाम से मनाएंगे। हो सके तो आप उपस्थित अवश्य रहिएगा। धन्यवाद। जीजा जी, मेरा विवाह तो अब तक एक बार भी नहीं हुआ और होने से पहले 3 बार टूट गया। सुन मूरख राम, घोड़ी तो तू ही चढ़ेगा और अनंता की डोली भी अपने घर पर ही आएगी। पर कैसे? आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे जीवन में मंगल घड़ी आई है, जिसका उद्घोष करते हुए हम सबसे पहला निमंत्रण पत्र आपको देने की इच्छुक हैं। अद्भुत गुरुवर, आपके पावन मुख से मंगल घड़ी के शब्द सुनना अपने आप में हर्ष का विषय है। महाराज, मध्यस्थता के लिए क्षमा चाहता हूं। पंडित रामकृष्णा, मध्यस्थता कर ही दिए तो उसका
कारण भी बता दीजिए। महाराज, पंडित रामकृष्ण आपका ध्यान एक ऐसे समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें न्याय अपेक्षित है। यदि बात न्याय की है तो हम इसमें कोई विलंब नहीं चाहेंगे, बताइए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण। महाराज, महाराज आपको वो शुभ मंगलम तो याद होगा ही जिसे कुछ दिनों पूर्व दरबार में प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें लोग विवाह दूत के नाम से जानते हैं और जिनका मुख्य कार्य विवाह करवाना है। और वो भी झूठ बोलकर। हमने उन्हें चेतावनी भी दी थी। जी महाराज, उनकी पिछली प्रस्तुति में हम केवल उनके गलत कार्यों के विषय में ही जान पाए थे, किंतु उनकी कार्यशैली और शादी विवाह के नाम पर बुने गए झूठ और लालच के जाल को नहीं समझ पाए थे। महाराज, मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनके विषय में पूरे दरबार को जानकारी होनी आवश्यक है। इसके लिए मैं शुभ मंगलम को दरबार में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ, जिन्हें मैंने पहले से ही बुला रखा है। तो बुलाया उन्हें भीतर। महाराज की जय हो। महाराज, इस संसार में हर मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए, धन कमाने के लिए कोई ना कोई साधन अपनाता है। इन्होंने शादी विवाह करवाने का अपनाया, जो कि एक पुण्य का कार्य ही है, किंतु ये उस कार्य में पालन किए जाने वाली सावधानियों को भूल गए और मात्र दक्षिणा के लालच में बड़ी चतुराई से झूठ बोलकर थोक के भाव में शादी विवाह करवाने लगे। महाराज, गलत जानकारियों और झूठ के आधार पर की गई शादियां सदैव टूट जाती हैं, और केवल दो मनुष्य ही नहीं अपितु दो परिवार और बच्चों को भी व्यथा झेलनी पड़ती है, किंतु उन व्यथाओं का इन पर कोई असर नहीं होता और ना ही इन्हें किसी बात का भय है। ये सब करते हुए इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया कि इन्होंने हमारे गुरुवर को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया, है ना गुरुवर? हाँ, परंतु जो सत्य है वो ये है कि शुभ मंगलम गुरुवर के लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। गुरुवर पे? शुभ मंगलम महोदय, निश्चित रूप से आप विक्षिप्त हो चुके हैं, अन्यथा गुरुवर के लिए रिश्ता। नहीं 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 महाराज, क्षमा करें, मेरे कहने का अर्थ था कि गुरुवर के लिए नहीं, गुरुवर की बहन अनंत लक्ष्मी के लिए ये रिश्ता लेकर आए, है ना गुरुवर? हाँ हाँ। तो गुरुवर, जो रिश्ता इन्होंने सुझाया था उस रिश्ते के विषय में बताएं। वो क्या, वो जैसे रिश्ते की हमें अपेक्षा थी वैसा ही रिश्ता मिला। लड़के का परिवार धनवान है और लड़का गुणवान है। तो क्या इन्होंने पहली बार में ही आपको ये बता दिया था कि लड़के की आंखें रतौंधी रोग से ग्रसित हैं? नहीं, वो नहीं बताया था। गुरुवर, इतनी महत्वपूर्ण बात आपसे छुपाई गई, तो ये भी तो हो सकता है कि लड़के के विषय में जो अन्य जानकारियां आपको दी गई थी वो सब की सब झूठी हो। पंडित रामकृष्णा, अब ये समस्त घटनाक्रम विस्तार से बता सकते हैं? जी महाराज, किंतु उसके लिए दो लोगों को दरबार में बुलाना पड़ेगा। महाराज, महाराज ये हैं कोटेश्वर राव और ये उनके पुत्र ज्ञानेश्वर राव। ज्ञानेश्वर राव का रिश्ता ही अनंत लक्ष्मी के लिए आया था, दुर्भाग्यवश ज्ञानेश्वर राव रतौंधी रोग से ग्रसित थे, जिसमें इनका कोई दोष नहीं, किंतु हाँ ये बात गुरुवर और उनकी बहन से छुपाई गई। अब इतने उत्तेजित ना हो गुरुवर, पहले पूरी बात तो समझिए, जो बात आपको पता ही नहीं है और आपसे छुपाई भी गई है। और छुपाने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि यदि आपको पता चल जाता तो आप ये रिश्ता करते ही नहीं, है ना गुरुवर? हाँ, नहीं वो। तो महाराज, इन तीनों को ऐसा लगा कि मात्र और मात्र धन के लालच में गुरुवर अपनी बहन का रिश्ता
इन महाशय से कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा 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 कदापि नहीं हो सकता। गुरुवर, ये तो संतोषजनक बात है कि समय रहते पता चल गया कि शुभ मंगलम आपके साथ छल करने का प्रयास कर रहा है। महाराज, कोटेश्वर राव एक धनवान व्यक्ति है और धन के सहारे इन्होंने अपने पुत्र ज्ञानेश्वर राव को गुरुवर के घर का जमाई बनाना चाहा। शुभ मंगलम, आप क्या समझ रहे थे कि गुरुवर जैसा महाविद्वान महाज्ञानी मनुष्य केवल धन के लालच में अपनी बहन का भविष्य उससे जोड़ देगा जिसने रिश्ते का आरंभ ही झूठ की कड़ियों को जोड़कर किया है? बताइए गुरुवर, क्या आप ऐसा करते? नहीं, नहीं। क्या आप अपनी बहन को ऐसे षड्यंत्रकारियों के घर भेजते जहां पहली बात आपको लालची समझकर आपका अपमान किया गया और दूसरी बात जहां जीवन भर आपकी बहन झूठ के अंधकार में रहकर यही सोचती कि मेरे भ्राता श्री ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? हमारी बहन को ऐसा सोचने पर विवश करते? शुभ मंगलम, राजगुरु जी, मैं तो आपको बाद में। चुप! तुम हमसे छल कर दरबार में बोलने का अधिकार खो चुके हो। एक शब्द भी बोला तो हमें हमारी बहन की नजरों में गिराने की तैयारी में थे। शादी ब्याह को खेल समझकर भोले भाले लोगों के जीवन के साथ खेलते हो तुम। सत्य कथन गुरुवर। महाराज, हमारी आपसे विनती है, इस व्यक्ति को ऐसा दंड दिया जाए कि सदियों तक कोई भी ऐसा कृत्य करने का सोच भी न सके। गुरुजी, गुरुजी, ये क्या किया आपने? तो डट्टू तोते की तरह सारा रटा हटाया, सच उगल दिया और स्वयं अपने आप को ही फंसा लिया। अभी तो फंसे रहना ही ठीक है। क्षमा करें महाराज, मैं अपने पुत्र ज्ञानेश्वर की आंखों के दोष को छुपाने के चक्कर में शुभ मंगलम के चक्कर में आ गया। मैं गुरुवर की बहन की तरफ तो क्या, इनके महल की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा महाराज, और आज ही विजयनगर छोड़कर चला जाऊंगा। वही उचित होगा आपके लिए कि आप सदैव के लिए विजयनगर त्याग कर चले जाएं, क्योंकि आपने हमारे प्रिय गुरुवर का हृदय दुखाया है। अब आप यहाँ से जाइए, शीघ्र जाइए। जी महाराज। चलो पुत्र। और आप शुभ मंगलम महोदय, महामंत्री जी, महाराज, इन्हें बंदी बना लिया जाए और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास में रखा जाए। ले जाइए इन्हें। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। महाराज की जय हो। गुरुवर, आपका उदास मुख देखकर हम भी उदास हो जाते हैं। हमने उन्हें दंड दे दिया है, अब तो आप मुस्कुरा सकते हैं ना। महाराज, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। सोच रहे हैं कि आपका आभार कैसे व्यक्त करें। आभार हमारा नहीं गुरुवर, पंडित रामकृष्ण का व्यक्त कीजिए। इन्होंने ही आपको और आपकी बहन को छल से बचाया है। पंडित रामकृष्ण, हम आपके आभारी हैं। अब तो सोचना पड़ेगा कि इस आभार का भार अपने सर से कैसे उतारें। तुमने कतई अच्छा नहीं किया पंडित रामकृष्ण, अब हमारे उत्तर की प्रतीक्षा करना।